हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक यहां पे हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन दे रखी है इन द टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उस टर्म्स में आपको इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई आपको दे रखा है, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट। अब डिफरेंशिएट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन होता है, तो ये माइनस वन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको dy by dx निकालना है, if y plus sin y is equal to cos x, so हम क्या करेंगे, differentiate करेंगे। ठीक है, ये equation one consider कर लीजिए आप, differentiate with respect to x, then we get, इसका क्या हो जाएगा, y का differentiation x के respect में हो जाएगा dy by dx, sin y का differentiation हो जाएगा cos y, y का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy by dx is equal to minus sin x, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, minus sin x, तो यहां से आप dy by dx कॉमन ले लीजिए, तो यहां का क्या मिलेगा, 1 plus cos y, और ये आ गया आपका minus का sin x। ठीक है, so dy by dx आपके पास क्या आ गया, minus sin x upon 1 plus cos y, so ये आपका डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, 2x plus 3y is equal to sin x आपको दे रखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, dy by dx आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 हो गया, 3y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3 into dy by dx हो गया, और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका cos x। ठीक है, सो यहां से क्या आ जाएगा आपका, 3 dy by dx is equal to cos x minus 2, सो dy by dx is equal to cos x minus 2 by 3। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 2x plus 3y is equal to sin y, dy by dx आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर आपको करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, सो यहां पर 2 आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा, 3 dy by dx आ जाएगा। अब साइन वाई है तो साइन वाई का आ जाएगा कोस वाई, तो वाई का वापस से करेंगे हम तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, चेन रूल अप्लाई किया हमने, अब इसको इधर ये शिफ्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इस टू को इस साइड हम ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का टू। ठीक है, सो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, सो ये हुआ 3 माइनस कोस वाई इज इक्वल टू माइनस, therefore dy by dx जो है वो आ जाएगा minus 2 upon 3 minus cos y, अगर minus को हम denominator में multiply कर दें तो ये क्या हो जाएगा, cos y minus 3, या हम ये कह सकते हैं कि denominator में से minus common ले लेंगे तो ये numerator का minus cancel हो जाएगा, यानी कि या minus minus plus हो जाएगा, ऐसे आप बोल दो, तो आपका dy by dx क्या आ गया, 2 upon cos y minus 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ax plus by square is equal to cos y, then find dy by dx, differentiate with respect to x, then we get, so इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, a plus b कांस्टेंट है तो b आ गया, और y square का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y dy by dx is equal to cos y का क्या हो जाएगा, minus sin y
dy by dx, ठीक है। सो इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, a को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, सो ये तो हो जाएगा माइनस a, और ये ना हो जाएगा 2by dy by dx प्लस साइन y dy by dx। सो dy by dx आप कॉमन ले लेंगे तो 2by प्लस साइन y आपको मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। सो dy by dx क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y, देन dy by dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट xy का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो x को आप फर्स्ट कंसीडर करें, y को आप सेकंड फंक्शन कंसीडर करें, और हम यहां पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन dy / dx, देन y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन dx / dx, और dx / dx क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस 2y dy / dx। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2y, y का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे dy / dx। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और y का डिफरेंशिएशन होता है dy / dx, ठीक है। सो यहां से तो आ गया y, और यहां से आ गया x dy / dx, और यहां से आ गया 2y dy / dx, और इसको हम इधर ले आएंगे dy / dx को, तो माइनस dy / dx, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। सो dy / dx अगर आप कॉमन ले लें तो यहां पर आपको मिलेगा x plus 2y minus 1, और इस y को इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x minus y। सो हम इसको क्या करेंगे, इसका हमको यहां पर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा dy / dx आ जाएगा। सो फाइनल आंसर आपके पास हो गया dy / dx is equal to sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देन फाइंड dy / dx, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, अगेन यहां xy है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x को फर्स्ट मान लेंगे, y को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y dy / dx, 100 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि क्या होता है, 0 होता है। इस और इस टर्म में से आपका क्या कॉमन आ गया, dy / dx, सो x plus 2y तो यहां पर आ जाएगा, और ये 2x और y इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सो माइनस 2x माइनस 5 बन जाएगा, देन इसको यहां पर डिवाइड कर दीजिए, सो dy / dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 आप खुद करें, डू योर सेल्फ, और आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए हम वो क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, आप खुद करके उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ओके।